जय। बोलो राधाजू सरकार की जय। बोलो हरिदास जू महाराज की जय। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बिहारी जी की कृपा से सब ठीक होंगे और बिहारी जी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मन में अगर विश्वास का दिया जलाए रखें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर मन में विश्वास है तो कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी और नई नई कहानी और लीलाएँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवारजन और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी नई नई कहानी और लीलाओं का आनंद ले सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। वह दिया उत्साह का प्रतीक था। यह देख दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और इतना कहते ही शांति का दिया बुझ गया। उत्साह और शांति के बुझने के बाद जो तीसरा हिम्मत का था, वह भी अपना हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के ना रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला ही जल रहा। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। एक दिन उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने से वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ। यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है, उसने तुरंत ही 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। मित्रों, जानते हैं वह 5वां दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। इसलिए अपने घर में, अपने मन में, अपने भीतर हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। ये एक ही दिया काफ़ी है बाकी सब दियों को जलाने के लिए, क्योंकि हमारे आज में जो उम्मीद जगती है, वही उम्मीद हमारे भविष्य का निर्माण करती है। उम्मीद जीवन का बड़ा सहारा है। उम्मीद है तो हर लहर किनारा है। उम्मीद का दिया सदैव जलाए रखिए। किसी जगह पर वर्षों से अंधकार क्यों ना पसरा हो, उम्मीद की एक भी किरण से वहाँ प्रकाश लाने में कुछ क्षण का ही वक्त लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी और नई नई कहानी और लीलाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परिवारजन और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी नई नई कहानी और लीलाओं का आनंद ले सकें। और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।